हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत बड़ी बिग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और वो एक्सपेरिमेंट क्या है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, ये चार स्पीकर है। एक एक स्पीकर का आरएमएस पावर है 100 वाट, यानी टोटल 400 वाट लोड हम एक 4440 IC यानी 4440 IC एम्पलीफायर पर हम लोड देंगे और देखेंगे क्या एक 4440 IC एम्पलीफायर ये लोड झेल सकता है, किस प्रकार से बजेगा और एक 4440 IC पे कितना लोड देना सही है, ये भी मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। हालांकि इतना लोड आप कभी भी किसी 4440 एम्पलीफायर पे मत दीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। 4440 IC एम्पलीफायर पे अगर 400 वाट का लोड दे दिया जाए, यानी 4-10 इंच का अगर ऊपर लगा दिया जाए, तो वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है वही देखना है। और ये एक एक्सपीरियंस है, आप इस प्रकार की कनेक्शन करेंगे तो अच्छे तरीके से वो एम्पलीफायर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर सिर्फ हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये वीडियो बनाया हूँ और टेस्ट के लिए बनाया हूँ। देखेंगे एक 4440 IC जो 19 वाट प्लस 19 वाट, यानी अगर आप इसको 20 वाट प्लस 20 वाट, 40 वाट अगर आप मान के चले ये एम्पलीफायर, और इस पर लोड को मैंने दिया 400 वाट, यानी कितना गुना ज़्यादा लोड मैंने इस एम्पलीफायर पे दिया हूँ, और देखेंगे ये एम्पलीफायर ये चार स्पीकर बॉक्स को बजा पाता है या नहीं। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, इस प्रकार का कनेक्शन सही नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये जो स्पीकर है ये 4 ओम्स का है, ये 2 बॉक्स को मैंने आपस में सीरीज कनेक्शन कर दिया हूँ, 8 ओम्स बन गया है। और नीचे जो ये स्पीकर है इसको भी मैंने 4 ओम्स एंड 4 ओम्स पे सीरीज कनेक्शन करके 8 ओम्स बना लिया। तो टोटल यहाँ पे लेफ्ट और राइट चैनल पे मैं 200 प्लस 200 400 वाट बहुत ही तगड़ा लोड मैं इस छोटी सी एम्पलीफायर पे दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये एम्पलीफायर का पावर भी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर काफ़ी ज़बरदस्त है। लोकल जो 4440 IC का एम्पलीफायर आता है उनसे कई गुना बेटर परफॉर्मेंस इस पे हम सबको सुनने को मिला है, क्योंकि इसका पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। और बहुत सारे लोग लोड के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे इस एम्पलीफायर के बारे में, तो चलो उन लोगों को दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ। 4440 पे अगर 400 वाट लोड दिया जाए तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप आखिर तक देखिएगा, फिर मैं अपना राय भी बताऊँगा और इस एम्पलीफायर को कितना लोड देना सही होगा। इस प्रकार का जो भी मार्केट में एम्पलीफायर मिल रहा है वो भी बताऊंगा। और चलिए फ्रेंड्स, टेस्ट करते हैं। ये एम्पलीफायर को मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ, अब ब्लूटूथ से इसका कनेक्शन कर देते हैं और फिर इस पर थोड़ा म्यूजिक चलाते हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा निकल के आ रहा है।
तो फ्रेंड्स आपने देखा ये 4-10 इंच स्पीकर इस एम्पलीफायर पे चल रहा है। दिक्कत अभी तक कोई भी नहीं आया है, रिजल्ट आप सबके सामने है। लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा लॉन्ग टाइम इस प्रकार से चलाया नहीं जा सकता है। 4-10 इंच 100 वाट का स्पीकर एक 4440 IC एम्पलीफायर के लिए इस लोड को झेलना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इस प्रकार से लोड मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैंने जस्ट इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया हूँ। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं 4440 IC एम्पलीफायर पे मैक्सिमम लोड कितना देना सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए एम्पलीफायर का लोड होता है उसके पावर के अकॉर्डिंग, यानी आपके एम्पलीफायर जितना पावर है उसको मैच करके ही लोड देना बिल्कुल सही डिसीजन होगा। इसलिए दोस्तों ये एम्पलीफायर 20 वाट प्लस 20 वाट अगर मान के चले, यानी 40 वाट अगर आप इसको मान के चले, हालांकि ये 19 वाट प्लस 19 वाट RMS आउटपुट देता है अगर सही ट्रांसफार्मर ओरिजिनल IC यूज हुआ तो ये अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब के लिए अगर 40 वाट मान के ही चले, लेफ्ट 20 राइट 20, तो आप इस पर मैक्सिमम दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है आप इस पर 8 इंच का 40 वाट से लेकर 60 वाट तक ऊपर आप इस पर लोड दे सकते हैं। 40 वाट 8 इंच ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इस पर ज़्यादा लोड देंगे तो वो आपका किसी काम का नहीं है, आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बेकार में जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा इस प्रकार की एम्पलीफायर पे 40 वाट से मैक्सिमम आप 60 वाट तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस पर 8 इंच स्पीकर यूज करेंगे तो ही सबसे बेस्ट होगा। हालांकि आप इस पर 10 इंच भी चला सकते हैं तो आप इस पर लोड दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बजेगा। IC ओरिजिनल और ट्रांसफार्मर अगर 3 एम्पियर का हुआ तो, और इस एम्पलीफायर पे सब कुछ अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है, इसलिए आपने देखा ये 4 10 इंच स्पीकर को अच्छे तरीके से ये लोड को झेला है। लेकिन ये बिल्कुल लॉन्ग टाइम चलाने के लिए नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि 44-40 IC पे भी काफ़ी ताकत होता है, वो काफ़ी अच्छा बजता था कुछ सालों पहले, अभी भी चल रहा है, तो इसलिए ये 44-40 IC इतना डिमांड में है। तो फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो कैसा लगा अपना वैल्यूएबल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।